दिस इज रहमान एंड आई वेलकम यू टू ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. टुडे आवर टॉपिक इज टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस दैट विल बी बेस्ड ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि कैसे हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर किस तरह से लाते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. आज हम सीखने जा रहे हैं कि जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हैं और स्पेशली बेस्ड ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं. आमतौर से हमें व्हाई, वेयर, व्हेन वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना आसान लगता है, लेकिन इनसे अलग जो कुछ और दूसरे इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो कभी सब्जेक्ट पर यूज़ होता है तो कभी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, तो इनमें आज हम डिफरेंस करना सीखेंगे और सीखेंगे कि मैक्सिमम लेवल पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करें. आइए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से. हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे जिसको हम यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं. यस या नो टाइप क्वेश्चन के अंदर आप हमेशा याद रखिए कि आपकी जो बिगिनिंग होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है. सब्जेक्ट के बाद आप अगर नॉट है तो लगाते हैं, के बाद आप वर्ब लगाते हैं, के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप लगा करके पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं. जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो अपनी जगह हेल्पिंग वर्ब पर ही रहती है, लेकिन आपके सब्जेक्ट की जगह पर ये ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको पहले लेक्चर्स में समझाया जा चुका है, आता है. तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं किसकी, सब्जेक्ट की फॉर्म में. उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो भी चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब में अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस, जैसे कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इस आरएम आपको वॉज वर्ब अपने पास से लगाना होता है, तो डू डज की जगह यहाँ पर इस आरएम आता है. और अगर नॉट है तो वो आपका लगा रहता है वर्ब की, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका होता है. सारा कॉपी करने के बाद आप क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं इसमें ऑब्जेक्ट की शक्ल में, और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. अब यहाँ पर देखते हैं प्रैक्टिकल में. देखिए पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आप वॉज वर्ब लगाते हैं, ये आपको अच्छे से पता है. तो अब की बार एग्जांपल लेते हैं, डिड ही टीज एवरीबॉडी, डिड ही टीज एवरीबॉडी इन द क्लास. तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. तो इसको आइडेंटिफिकेशन करने में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने जो वर्ब के लिए वर्क कर रहा है वो आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई सब्जेक्ट मिल गया. वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट है, तो एवरीबॉडी कहाँ पर आ जाएगा. अगर ये प्रोनाउन होता तो हम हिम का ही करते, हर का शी करते, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एवरीबॉडी आ गया, एवरीबॉडी. अब एवरीबॉडी के लिए पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या करते हैं, वॉज या वर्क करते हैं, तो एवरीबॉडी ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो आपने यहाँ पर वॉज कर लिया, ठीक है. और अब क्या करेंगे, आपका ये हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट को आपने चेंज कर लिया, तो अब आपकी वर्ब जो टीज है, टीज मीन्स सताना, तो उसको आपने थर्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है. एवरीबॉडी इधर आ चुका है, तो जितने रिमेनिंग सारे वर्ड्स बचे हुए हैं वो आप सब कॉपी कर लेंगे इन द क्लास, और उसके बाद आप बाय हिम कर देंगे. तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं जनरली हम करते रहते हैं. और अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड मान लीजिए कि यहाँ पर है आपका वाई है, वेयर है, हाउ है, तो वो एज इट इज यहाँ पर जो है कॉपी हो जाता है. अब हम सीखेंगे कि इन क्वेश्चन वर्ड से अलग क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो कि हमें बहुत परेशान करता है कि जब हमारा जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. आइए देखते हैं इसको दूसरे एग्जांपल में. हमारे पास यहाँ पर ये टू एग्जांपल्स हैं, इसमें हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है वह हु कर रहा है, और हु अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यू. यानी पहली बार हमें एक क्वेश्चन वर्ड जो है सब्जेक्ट की जगह पर मिला.
ठीक है। यहाँ पर व्हाट क्रिएटेड डाउट्स इन दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वह व्हाट है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डाउट्स है। तो अब तक हमने जो पर्सनल प्रोनाउन थे आई का मी करना, मी का आई करना, हिम का ही और ही का हिम करना तो सीखा। अब इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स को हम कैसे मैनेज करेंगे पैसिव वॉइस में, ये हमें समझना है। देखिए इसको समझने के लिए आप यहाँ पर कुछ पहले इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आई होता था तो आप मी करते थे और मी का आई करते थे। इसी तरह से अगर आपको हु दिया हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट पर उसको हुम करते हैं। इस तरह से आपका दूसरा एग्जांपल था यू का यू ही रहता था, उसी तरह से व्हाट अगर आपका सब्जेक्ट पर है तो व्हाट आपका ऑब्जेक्ट पर भी एक जैसा रहता है। यानी ये पूरा आपका सब्जेक्ट है और ये वाला जो कॉलम है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हु का हुम और हुम का हु, इसी तरह से व्हाट का व्हाट रहता है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसा होता है। अब आप जानते हैं कि इसको पहले हम रफ बनाएंगे ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। तो सबसे पहले हम सिंपली क्या करते हैं, देखिए एक हम रफ आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करते हैं। तो हु, तो यू को आप कहां पर लेकर आए, बिगिनिंग में यू। ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। बिल्कुल हम इसका जो पैसिव वॉइस है इस तरह बना रहे हैं जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का हो। तो यू हु की जगह पर आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पर सीखा हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, तो यू के बाद आप वर्ब लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप चीटेड करेंगे, ठीक है। सारा आपने पोर्शन उतार दिया। अगर आपने हमारी पिछली सारी वीडियोस देखी हैं और लेक्चर्स को अटेंड किया है तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो हु है इसको आप क्या कर देंगे, बाय हुम कर देंगे, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रक्चर अप्रूव्ड नहीं है लेकिन समझने के लिए हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पर हु क्या है, सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। हु क्या है, सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। अब चूंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए इसमें बाय तो लगेगा ही, लेकिन ये ऑब्जेक्ट सॉरी क्वेश्चन वर्ड भी है। और क्वेश्चन वर्ड को हमेशा मान्यता होती है कि भाई वो बिगिनिंग में लगेंगे, तो हमने बाय हुम शुरू में लिख दिया, ठीक है। जब हमने एक क्वेश्चन को पहले ले लिया तो इंटरोगेटिव का रूल होता है कि हेल्प वर्ब जो है अब पहले आएगी यू से पहले, तो बाय हुम के बाद क्या आ गया, वर्ब उठकर यहाँ आ गया, ठीक है। ये आपका जो है राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये रॉन्ग था ये राइट है। तो बाय हुम वर यू चीटेड लास्ट ईयर, तो इस तरह से आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि अब की बार सब्जेक्ट पर हमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट रखा हुआ मिला। तो अब हम ये समझ गए हैं इस ऑप्शन में कि ये व्हाट बाय व्हाट पर पीछे जाएगा, बट बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन वर्ड टू दैट्स व्हाई वी विल प्लेस इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो ये क्या हो जाएगा, बाय व्हाट। अब तक हमारे जहन में हमारे माइंड में इस तरह की बात थी कि जो हु होता है हु का ही बाय हुम करते हैं, और सारे पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव जब हम चेंज करते हैं तो वो सिर्फ हु के लिए होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्रक्रिया ये सारा प्रोसेस हु पर होता है, व्हाट पर होता है, और हाउ को यूज करके बहुत सारे दूसरे नाउन्स के लिए भी हो सकता है, जो भी हम फर्दर एग्जांपल्स में आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर आपने देखा कि व्हाट को बाय व्हाट कर दिया, बाय इसलिए किया चूंकि ये सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड है कि दैट्स व्हाई वी पुट इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब ये क्या है, प्रेजेंट पास्ट इनफिनिट है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाउट्स हैं, डाउट जब आपका बिगिनिंग में आएगा, या एक तरीका ये भी कर सकते हैं आप कि जो ऑब्जेक्ट है ये तो उठ करके पैसिव वॉइस में आना है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, डाउट्स पहले लिख लिया। इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर हमारे लिए वर्ब आएगा। भाई जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम वर्ब के बाद से उठाकर बिगिनिंग में लाते हैं के अकॉर्डिंग हेल्प टू वर्ब आती है। तो अब ये सब्जेक्ट होने की वजह से तो हमने इसमें बाय लगाया, लेकिन इसको हम मानेंगे केवल क्वेश्चन वर्ड ही, और क्वेश्चन वर्ड मानने के बाद ऑब्जेक्ट हम पहले लेकर के आए, डाउट्स डाउट्स प्लूरल था और पास नेगेटिव में प्लूरल के साथ वर्ब लगाते हैं। इसके बाद हमने जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म भी है इस वर्ड को यहाँ पर लिखा, जो कि वर्ब है, इन दिस प्रोजेक्ट, इन दिस
तो इस तरह से ये आपका पैसिव वॉइस पूरा हुआ। इस तरह से हमने सीखा कि वर्ड का बाय वर्ड भी हो जाता है। तो ये क्या देखा हमने, जब हमारा इंटरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट की तरह से काम करे तो हम क्या करते हैं, उसमें बाय लगाते हैं और बाय लगाकर छोड़ देते हैं उसके ऑब्जेक्टिव केस में। वर्ड का ऑब्जेक्टिव जो वर्ड सब्जेक्ट है और उसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो वर्ड ही होता है, लेकिन हु का होम हो जाता है। और फिर हम उसको क्वेश्चन वर्ड मानकर छोड़ने के बाद अपना ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। और ऑब्जेक्ट से पहले आपको हमेशा पता है कि इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हेल्प वर्ब आती है, लाए गए सब्जेक्ट से पहले। और फिर थर्ड फॉर्म करते हुए हम वही अपना एक पुराना प्रोसेस पूरा करते हैं पंक्चुएशन मार्क तक। अब हम जो एक नया सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं उसमें हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और नाउन के साथ लेकर अभी करने वाले हैं और आप उसको बहुत जल्दी सीख जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास अब कुछ एडवांस एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो हाउ है, लेकिन ये अब की बार मैनी वॉइस से कनेक्ट है। इट मीन्स हाउ यहाँ पर किस तरह का काम कर रहा है, यहाँ पर मैनी वॉइस के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड के बीच में जितने भी वर्ड्स आते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले का वह पूरा पार्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ ही काउंट किया जाता है। हाउ कैसा इंटरोगेटिव वर्ड है, ये अपने आप में एडवर्ब है, लेकिन हाउ मैनी बॉयज ये दोनों मिलकर के आपका एडजेक्टिव का वर्क कर रहे हैं संख्या बताने के लिए बॉयज की। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपको सब्जेक्ट मिल गया, यानी आपको अपने सब्जेक्ट के साथ कुछ एडिशनल वर्ड्स जुड़े हुए मिले और वो एडिशनल वर्ड्स आपका एडजेक्टिव नॉर्मल एडजेक्टिव के साथ हो सकता है, इंटरोगेटिव वर्ड के साथ हो सकता है, क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कई बार एडजेक्टिव का काम करते हैं। बट अगर कुछ भी आप नहीं समझ पा रहे हैं इतना समझ ली कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना भी पोर्शन आया है वो जो पूरा फ्रेज है जिसमें नाउन है या जो भी है वो सारा कहाँ पर रहेगा, वो सारा आपका अपनी जगह पर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लिखें कि हाउ मैनी बॉयज, ये क्या रहा आपका अपनी जगह पर रहेगा। अब देखना यह है चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया और बॉयज हमारा जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ आने वाला क्वेश्चन वर्ड भी उसी सब्जेक्ट के साथ होगा। इट मीन्स ये पूरा पोर्शन जो हेल्पिंग वर्ब से पहले है सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आती सब्जेक्ट से पहले तो फिर सब्जेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता और आपको मालूम है कि फिर ये बाय पर पहुँचता। लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन वर्ड जो है हाउ मैनी सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा होने पर अभी आपने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको बाय लगाना पड़ेगा, यानी आपने किया बाय हाउ मैनी बॉयज। अब हमने जब बाय लगा दिया सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह एक वर्ड में हो, मे बी इन टू वर्ड्स एंड मे बी मोर देन टू वर्ड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो अब देखेंगे कि हमारी वर्ब तो ये है, ऑब्जेक्ट हमें मिला यू, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आता है, वर्ब से पहले, और शो की थर्ड फॉर्म शोड हो जानी है। तो अब इसका टेंस पहचानिए, ये हुआ पास्ट इनेफिनिट, तो पास्ट इनेफिनिट में बॉयज के अकॉर्डिंग बॉयज लगेगा या वर्ब, यहाँ पर आप लगाएंगे वर्ब। हाउ मैनी बॉयज, बाय हाउ मैनी बॉयज वर यू शोड देयर आंसर शीट्स, देयर आंसर शीट्स क्वेश्चन मार्क। अब बाय हाउ मैनी बॉयज जो बाद में लगना था सब्जेक्ट के तौर पर, चूंकि वो इंटरोगेटिव वर्ड के साथ कनेक्टेड है, क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, इसलिए आपका क्वेश्चन वर्ड बाय के साथ बिगिनिंग में आ गया। और फिर वही हमने पुराना रूल लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, और अगर आपका इंटरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट है तो उसके साथ बाय लगा कर उसे छोड़ दिया, और बाय लगाते ही आप इस पूरे पोर्शन को क्वेश्चन वर्ड की तरह से इसको टैकल करेंगे, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आकर रखेंगे और के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन आपके पिछले एग्जाम्पल्स की तरह से। अब यहाँ पर इसे चेकआउट करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमारी मेन वर्ब है बॉदर, बॉदर मीन्स टेंशन देना, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, ओके। तो सब्जेक्ट कौन है, बॉयज, और बॉयज का टाइप पूछा है,
तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहला जो नाउन आया या जितना भी उसके साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वह पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। अब अगर सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है तो सब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन वर्ड तक जितने भी वर्ड्स साथ साथ आए हैं सबको आपने कंसिडर कर लिया, चूंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए बाय आपको लगाना है और ये एज इट इज हो जाएगा। बाय व्हाट टाइप ऑफ बॉयज, बाय व्हाट टाइप ऑफ बॉयज। अब क्या करना है, ये इंटरोगेटिव आपने जो वर्ड है ग्रुप में इंटरोगेटिव जो वर्ड है वर्ड विद अदर वर्ड्स आपने पूरा लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़कर ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब की जगह ही उतारते हैं। ठीक है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो हमें लानी होती है किसके लिए लाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं जो भी हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है के लिए। कभी भी गलती मत कीजिएगा कि आप इसके लिए क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। देखिए, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट था और हम ऑब्जेक्ट को पहले लाए हैं तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये आपका इंटरोगेटिव वर्ड के साथ ये एज ए इंटरोगेटिव वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स काउंट हुआ तो सारा क्वेश्चन में चला गया। इस किसके लिए आएगा, जो ऑब्जेक्ट आप वर्ब के बाद से लेकर के आए हैं, और अगर नॉट दिया है तो आप नॉट लगाएंगे और बॉदर की थर्ड फॉर्म बॉदर्ड होगी। ठीक है, और जो बाय आप बाद में लगाते वो आपका बाय व्हाट टाइप ऑफ वॉयस के रूप में आ चुका है। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम समझने वाले हैं कि क्वेश्चन वर्ड जब ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो हम उसको किस तरह से पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट तलाश करते हैं तो हमें मिला क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, और टीच किसको टीच करेंगे तो जिसका भी नाम आना चाहिए यहाँ पर वो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिख दिया। तो अब की बार हमारा क्वेश्चन वर्ड किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जो कि यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि व्हाट डू यू लाइक इन सच अ सिचुएशन, तो यहाँ पर ये हमारी वर्ब हुई, सब्जेक्ट ये हुआ, तो आप लाइक करते हैं व्हाट, यानी व्हाट क्या हुआ यहाँ पर आया, एक तरह से यहाँ मान लेते हैं कि व्हाट आया। अब पीछे आपने सीखा था पिछले एग्जांपल में कि इंटरोगेटिव होने की वजह से पहले रखना पड़ता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है, ही ने पढ़ाया किसको, किसको की इंग्लिश होती है हूँ, क्वेश्चन वर्ड की वजह से बिगनिंग में लिखा, बट एक्चुअली इसका प्लेस यहाँ पर था, यानी यहाँ पर हूँ लिखा था। अब आपने सीखा था अभी पिछले एग्जाम्पल्स में कि हूँ सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हूँ होता है, अगर हूँ है और आप सब्जेक्ट पर लाएंगे तो हूँ करेंगे, लेकिन अगर हूँ को ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे तो हूँ करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना होता है। तो भाई हमें ये तो पता चल गया कि हूँ ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह लाने पर तो आपको हूँ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो ही है ये वर्ब से पहले है तो वर्ब के पहले वाला तो बाय पर चला जाएगा। तो क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पर हू बचा, यहाँ पर विल बचा, और विल के साथ आप हमेशा बी लगाते हैं, बी के साथ आपने यहाँ पर टॉट लगाया, ठीक है, और यहाँ पर आपने नाउ किया और ही को लास्ट में पहुंचा दिया बाय हिम। पिछले एग्जांपल्स में ये जो आपका क्वेश्चन वर्ड था सब्जेक्ट का काम करता था तो बाय यहीं के यहीं लग जाता था, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को तो हम पीछे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि ही का हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हम पीछे ले गए, लेकिन पिछले एग्जांपल्स में सब्जेक्ट होने की वजह से बाय लगाकर बिगिनिंग में रखना पड़ता था क्योंकि आप उसको पहले लेकर आते क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से। तो यहाँ पर हमने सीखा कि होम का हमने हो किया, ही को हमने पीछे ऑब्जेक्ट पर पहुंचा दिया, और इसको एक बार लिखने के बाद आप इसे क्वेश्चन वर्ड मानेंगे और ये अब इधर से सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, हु विल बी टॉट नाउ बाय हिम। इसको आप दूसरी तरह से एक बार और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है और आपको पता चला कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट तो शुरू में ही रखा जाना है,
और ऑब्जेक्ट में बाय लगता नहीं है, तो हुम का क्या हो गया, हु हो गया, जैसे आप हिम का ही करते थे आपने ये लिख दिया। इसके बाद आपका ये ही पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह बची नहीं, तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद आप मेन वर्ब की तैयारी करेंगे, यानी विल के साथ बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जितना पार्ट ऑफ सेंटेंस बचा है उसे लिखने के बाद जो आपका सब्जेक्ट था आप बाय के साथ बाद में पहुंचा देंगे, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन बाद में लिखा जाता है, जबकि इंटरोगेटिव वर्ड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन बिगिनिंग में लिखे जाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखते हैं आपका यू क्या है, इस लाइक के लिए यू सब्जेक्ट है, यू किसको लाइक करता है, व्हाट को, जो भी पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट आप पहले लाए तो यानी आपको यहाँ पर व्हाट रखा रखाया मिल गया। अब यू पीछे जाएगा तो सब्जेक्ट की तो जगह है नहीं, ठीक है, तो व्हाट को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा इज, यू यहाँ से पीछे चला गया है, हमने लिखा लाइक, व्हाट इज लाइक, इन सारा सेंटेंस आपका जो बचा हुआ था आपने लिख लेना है। इन सच अ सिचुएशन और बाय यू, क्योंकि यू सब्जेक्ट था तो आपको बाय के साथ इसको ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करना है। आई होप कि ये आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है कि इसी सीरीज में अभी ये जो हमारे ऑब्जेक्ट का काम करने वाले वर्ड्स थे ये क्या कर रहे थे, ये एक वर्ड में, यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो हमारे इंटरप्रेटिव प्रोनाउन है एक वर्ड में वह नाउन जो है सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब हम देखेंगे कि एक से ज्यादा वर्ड्स में ऑब्जेक्ट अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ आता है तो हम क्या करते हैं। हमारे पास जो ये सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आपके वर्ब आ रही है, इट मीन्स जो भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं आपका एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन जिसको आप टीच कर रहे हैं, यू टीचिंग किसको, हाउ मेनी बॉयज को, तो यहाँ जो हाउ मेनी बॉयज है एक्चुअल में ये यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट चूंकि क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड है इसलिए वो पूरा नाउन का और नाउन फ्रेज जो भी है वो क्वेश्चन वर्ड के पास चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट था वो ऑलरेडी आपके पास है, और जो ये आपका सब्जेक्ट है ये कहाँ, बाय पर पीछे चला जाएगा, इट मीन्स जो वर्ब से पहले है वह बाय पर चला जाएगा, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, और जो ऑब्जेक्ट था वो क्वेश्चन वर्ड के रूप में आपको पहले ही लिखा हुआ मिला। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, आपका आंसर होगा ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आपको हाउ मैनी लिखा हुआ यहाँ पर रेडीमेड मिल गया, तो आपने हाउ मैनी बॉयज एज इट इज ले लिया। यू आपका यहाँ पर बाय पर चला गया पीछे, बाय यू एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, यू यहाँ से जा चुका, टीचिंग बचा और वर बचा, तो जो आप पिक करके लाए हैं उसके अकॉर्डिंग सोचिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर वाला सेंटेंस है तो वॉयज के लिए वर लगाएंगे, और इस आईएनजी को कट करके आप बीइंग लगाएंगे, ठीक है, और टीच की जगह क्या करेंगे, टॉट, और जो बचा हुआ आपका वर्ड या कोई भी फ्रेज या पार्ट ऑफ सेंटेंस था उसको आप एज इट इज लिख करके बाद में बाय यू कर देंगे। इसके बाद अब हम इस एग्जाम्पल में देखें तो जरा इसको एनालाइज कीजिए कि कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर आपके वर्ब है। तो हमें यहाँ पर जो वर्ब मिली वो मिली लाइक, यू हमें सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट हमेशा कहाँ आएगा, सब्जेक्ट आपका आएगा बाय के बाद, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, ठीक है ना। आप लाइक करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ जॉब, तो जॉब के साथ ये सारा इंटरोगेटिव जो वर्ड और उसके वर्ड्स हैं ये पूरा ग्रुप आपको जॉब के साथ कनेक्टेड मिला, इट मींस ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल गया। तो जब आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया और क्वेश्चन वर्ड उसके साथ जुड़ा हुआ है तो आप पीछे सीख चुके हैं कि क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर सब्जेक्ट जुड़ा है तो भी साथ रहता है, ऑब्जेक्ट जुड़ा है तो भी साथ रहता है, तो ऑब्जेक्ट जुड़ने की वजह से ये पूरा पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। व्हाट टाइप ऑफ, यहाँ पर ऑफ कर लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ जॉब, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ जॉब अ
अब इसको आपने इंटरोगेटिव लिया है, पहले लिखा है, और चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होने के नाते जब आप हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो प्रेजेंट इनएफिट में ये इसको आप सिंगुलर लेंगे और सिंगुलर के साथ आप इज लगाते हैं, यानी वो टाइप ऑफ जॉब, यानी टाइप केवल एक है और प्रेजेंट इनएफिट में एक के लिए सिंगुलर के लिए आप इज लगाते हैं। पैसिव वॉइस में और यू आपका बाय पर चला गया, इसको ऐसे ही करते हैं बाय यू, क्योंकि जो वर्ब से पहले है वो लास्ट में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। डू को हमने इज में बदल दिया, यू पीछे जा चुका है तो यहाँ पर लाइट आ जाएगा। जो हमारा पोर्शन बचा उसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे टू डू, ठीक है, और ये बाय यू आपका सारा आ गया। तो हमारा सेंटेंस आंसर हुआ व्हाट टाइप ऑफ जॉब इज लाइक टू डू बाय यू। तो ये आपने आज इंटरोगेटिव सेंटेंस के वो डिफिकल्ट स्ट्रक्चर सीखे हैं जो आमतौर से हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना मुश्किल हो जाता है, और इससे रिलेटेड जो नॉर्मल बेसिक रूल्स हैं वो प्रीवियस वीडियोस में आपने ऑलरेडी देखे होंगे, जहां पर आपको जिस पोर्शन में क्वेरी है पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन का सहारा जरूर लीजिएगा। और ये पूरी सीरीज आपको एकेडमिक से लेकर के आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको एक्सपर्ट बना देगी। आप इस पूरी सीरीज को समझिए, देखिए और अपनी क्वेरीज हमें लिखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और पूरी कीजिए इस सीरीज को। एंड प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें। मिलते हैं जल्दी ही, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।